जीएसटी की तर्ज पर उत्तर भारत के 7 राज्य परिवहन विभाग करों में एक रूपता लाने के लिए रजामंद हो गए हैं। नए वाहन खरीदने पर इन 7 राज्यों में एक समान कर लगेगा। मसौदा को अमली जामा पहनाने के लिए अगली बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें सभी राज्यों के परिवहन सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा सड़क हादसे रोकने के लिए भी गंभीरता से रणनीति तैयार होगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्रियों और आला अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लेकर विचार विमर्श किया। उत्तर भारत के ज्यादातर पड़ोसी राज्यों में परिवहन महकमे में अलग अलग दरों से कर वसूले जा रहे हैं। अब 7 राज्यों की सरकारों ने मिलकर जीएसटी की तर्ज पर उत्तर भारत में एक समान कर प्रणाली लागू करने पर सहमति बनाई है। मंगलवार को चंडीगढ़ में 7 राज्यों के परिवहन मंत्री और आला अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मसौदे को अमली जामा पहनाने के लिए अगली बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें सभी राज्यों के परिवहन सचिव शामिल होंगे। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर सभी सरकारें मिलकर काम करेंगी। आज मंत्रियों की ग्रुप समूह की बैठक में कई तरह के सुझाव आए हैं। पवार ने कहा कि जीएसटी लगने से जिस तरह से देश मजबूत हुआ है, उसी तर्ज पर परिवहन व्यवस्था में भी टैक्स समान करने पर चर्चा हुई है। रोड हादसों पर भी सभी राज्यों ने चिंता व्यक्त की है और रोड सेफ्टी पर गंभीरता से बात हुई है। लगभग मंत्रियों और हमारे अधिकारियों के सुझाव आए कि जिस प्रकार पूरे देश में जीएसटी लगने से, समान जीएसटी लगने से सभी प्रदेशों में व्यापार की दृष्टि से बढ़ोतरी हुई, तो इस प्रकार से परिवहन विभाग में भी जो रेगुलेटरी विंग है या रोडवे साइड में है जो टैक्स है वो समान होना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि परिवहन विभाग के करों में एक रूपता लाने की रजामंदी बन गई है। अब देखना होगा कि इस रजामंदी को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली में जो बैठक होनी है उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।